हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दो तगड़े फोन्स या बोलूं दो नए फोन्स का स्पीड टेस्ट, Realme 10 Pro वर्सेस Realme 10 Pro Plus। दोनों ही आज आज मार्केट में लॉन्च हुए हैं और इनमें से बढ़िया कौन सा है, दोनों कैसे हैं, कौन सा बेटर है, सब हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको इसका कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट, स्पीड टेस्ट, काफी सारे टेस्ट बताने वाला हूं, एंड टू स्कोर भी बताने वाला हूं। सो बिना देर करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको पता है अपने अपने वीडियो की शुरुआत स्पीड टेस्ट से करते हैं और स्पीड टेस्ट में भी जो अपना गेमिंग वाला जोन होता है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे BGMI, देखते हैं यार कि इसे कौन पहले ओपन करेगा, देसी पबजी को 1, 2 एंड 3। सो यार आपको मैं बता दूं, यहां मिलता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 6nm फैब्रिकेशन, यहां पर आपको मिलता है डायमेंसिटी का 1080 5G प्रोसेसर। जी हां, नया प्रोसेसर है। सो देखते हैं कि कौन यहां पर, ये भी 6nm पर ही काम करता है, पर आप देखोगे तो लीड जो है वो कहीं ना कहीं अभी 695 यानी कि 10 प्रो के पास है। और हम लोग यहाँ पर एकदम जा रहे हैं, आप देखो यहाँ पर मैसेज आया भैया कि तुम्हारा ये वना बंद हो गया है, और दोनों एकदम नेक टू नेक लॉबी में जो पहले आएगा वो हमारी साइड से विनर घोषित हो जाएगा। और आप देखोगे कुछ सेकंड से नहीं, ऑलमोस्ट 1-1.5 सेकंड के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले लॉबी में आया है ये यानी कि 10 प्रो, और फिर हमारा आया है 10 प्रो प्लस। ठीक है, इन दोनों की गेमिंग वीडियोस ऑनलाइन है, आप जाके देख सकते हो। और यार ये देखो ग्राफिक्स का हिसाब किताब भी भैया फटाक से आपको बता दूं। सो भैया यहाँ पर तो इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यार इधर आपको मिलता है 40 FPS, तो यहाँ आपको मिलता है 60 FPS, और काफ़ी स्टेबल फ्रेम रेट है दोनों में। दोनों का गेमिंग वीडियो मैंने कर लिया है, ऑनलाइन है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हिटिंग विटिंग सब कुछ मैंने उसमें बताया है, सो वो वाला वीडियो भी जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि सेकंड राउंड में आके चेक करना रहेगा कि क्या ये एप्लीकेशन ओपन रहती हैं या बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट बारी आती है फ्री फायर मैक्स की, देखते हैं यहां पर क्या होता है। 1, 2 एंड 3। सो आप देखो यार ये लोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर गेमिंग इंजन अल्ट्रा ऑन है, और यहाँ पर भी आपने देखा इसमें भी ऑन ही है भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर शुरू से लीड जो है वो 10 प्रो प्लस के पास आ गई है। देखते हैं कि यहाँ पर जो टैप टू बिगिन वाली चीज़ है ऑटो से, ओके देखो यार टैप टू बिगिन इसमें पहले आया है, और यहाँ पर दोनों की जो आवाज़ है वो भी मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, टैप टू बिगिन तो यार इसमें हुआ है, लेकिन आपको पता है भैया ये वाला पॉइंट यहाँ पर ही मिलेगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको भी अभी हम लोग आगे चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब बैठता है। अगली बारी आ जाती है एक और हैवी गेम, जी हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी की 1, 2 एंड 3। तो आप ये देखो भैया, अब यहाँ पर भी ये देखो फटाक से वापस से इनका मैं बता दूँ ये जो बाबर है इसमें भी ऑन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप बोलोगे भैया इसमें ऑन इसमें ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम वाईफाई पे हैं, कोई चीटिंग नहीं हुई है, आपको अपने सारे रूल्स पता है। ठीक है ना, सो आप यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर लीड यहाँ पर है, जी हाँ ये ऑटो साइन पेज पे भी दोनों आगे, लेकिन ये पहले आया था और इसने ऑटो साइन करना शुरू कर दिया है, इसने भी कर दिया है। देखते हैं यहाँ पर लॉबी में क्या हिसाब किताब बैठता है। एंड वो हो एकदम नेक टू नेक है, मेरे को लग रहा है मिस नहीं कर दूं यार, ओके मिस नहीं हुआ यार, देखो पहले इसमें आया फिर यहाँ पर आया। ठीक है ना, तो इसी के साथ भैया अपना जो गेमिंग वाला साइड है वो होता है ख़त्म। अब बारी आ जाती है हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे गैलरी, क्रोम एंड ऑल, उसके बारे में अभी डिस्प्ले टेस्ट भी आगे देखेंगे, कैमरा टेस्ट भी देखेंगे, बैटरी टेस्ट भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं गैलरी को कौन पहले ओपन करेगा। 1, 2 एंड 3। तो आप यहाँ पर देखो इसके अंदर आया, और ये काफ़ी सारे फोटोज हैं मैंने खींचे हैं, लेकिन अभी एक ये फोटो है जिसको हम लोग कर देते हैं ऐसे करके जूम। ठीक है, और अभी सेकंड राउंड में आके चेक करेंगे कि ये जो फोटो है ये जूम रहता है या हट जाता है। तो अब अगली बारी आ जाती है क्रोम ब्राउजर की, देखते हैं इसमें वेब पेज को कौन पहले लोड करेगा और क्रोम ब्राउजर को ओपन भी करेगा। 1, 2 एंड 3। तो आप यहाँ पर देखो यार ये देखो ओपन होने सेम टाइम वेब पेज है, पहले इसमें लोड हो गया, और ये है भैया हमारा चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। जी हाँ, आप ये देखो भैया सारे स्पीड टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, सब कैमरा रिव्यू आपको सब यहीं देखने को मिलेंगे, कंपैरिजन वगैरह। सो जाके इस वीडियो को आप इसी चैनल पे देखो, बाकी के वीडियोस भी देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट बार आया यार N22 का, देखो एप्लीकेशन को ओपन नहीं करूंगा, N22 स्कोर बता दूंगा, मैंने स्टार्ट नहीं हुआ था, N22 स्कोर बताऊंगा। तो आप ये देखो भैया N22 को, ये है इसका 4,19,575 और इसका है 5,16,422। ठीक है, सो ये वाली चीज भैया मैंने आपको बता दी एंड्रॉइड स्कोर की। अगली बारी आती है डायलर की, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखो दोनों में आपको रियलमी UI जो 4 है वो मिल जाता है, ठीक है, और एंड्रॉयड 13 भी मिलता है। तो यार ये वाला हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया है। कैमरा ऐप को एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यार देखो कैमरा ऐप भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही खुली, ठीक है ना, लेकिन इसमें हल्की सी पहले आई खुल थी, और ना अभी डिस्प्ले टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे पहले। अब हम लोग देखो स्पीड टेस्ट तो अपना खत्म हो गया, लेकिन अब जल्दी से ये देखते हैं
कि जो एप्लीकेशन हमने ओपन की थी क्या वो ओपन रहती है या वो किल हो गई है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यार देखो ग्राफिक्स वाली सेटिंग्स पे छोड़ा था और वो किल हो चुकी हैं। यहाँ पर देखोगे ओके यार, ये देखो भैया ये भी बंद हो गया है और कॉल ऑफ ड्यूटी। तो यार देखो जितनी भी अपनी हैवी एप्लीकेशन थी वो तो भैया हो चुकी हैं बंद। ठीक है, फोन की जो अपनी इमेज थी, यार देखो फोन की इमेज हमें जूम करी थी वो भी हट गई। तो यार बैकग्राउंड में तो भैया जो एप्लीकेशन से फटाक से किल कर देता है। तो ठीक है यार, ऑप्टिमाइजेशन वाली बात है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपने देखा कि सारी एप्लीकेशन जो अपने तीनों गेम थे प्लस जो हमने इमेज जूम करके रखी थी सब कुछ भैया जो है वो इन्होंने बंद कर दिया है। और हमारा 1, 2, 3 जो हमने लिखा था, चलो यार 1, 2, 3 तो इन्होंने छोड़ा है। ठीक है, सो यार यहाँ पर इसी के साथ हमारा स्पीड टेस्ट जो है वो तो समाप्त होता है और अब हम लोग पढ़ते हैं अपने बैटरी टेस्ट की तरफ। हाँ जी, तो बैटरी चार्जिंग टेस्ट की बात कर लीजिए तो मैं आपको बता दूँ दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर ये देखो भैया 33 watts की जो चार्जिंग होती है वो, और इधर पे आपको मिल जाता है 67 watts की फास्ट चार्ज। ठीक है ना, दोनों में फास्ट चार्जिंग है। तो यार एक काम करते हैं, आपको मैं बता दूँ, आप ये देखो दोनों फ़ोन भैया एकदम डीप डेड है। ठीक है ना, ये आप देख लो, ये ऐसे चालू होगा फिर बंद हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, फटाक से इनको चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो यार जैसा आप लोगों ने नोट किया होगा कि फोन चालू हुआ फिर बंद हो गया, यानी कि दोनों डीप डेड हैं, दोनों एकदम चार्जिंग के लिए तैयार हैं। मैं आपको फटाक से एक बार टेम्परेचर बता दूँ। देखो यार अभी तो पूरे ये ठंडी पड़े हुए हैं, लेकिन हर 15 मिनट्स में या फिर हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि टेम्परेचर वगैरह कितना बढ़ा है, कितना चार्ज हुआ है। सो ये देखो स्टॉप वॉच जो है वो मैंने कर दी है शुरू, और यहाँ पर चार्जिंग भी कर दी है मैंने शुरू। सो दोस्तों 5 मिनट के आसपास हमें हो गया है, तो एक बार एक काम करते हैं फटाक से ज़रा देखते हैं। देखो यार दोनों फ़ोन अपने चालू तो हो ही गए हैं, तो हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो ये 11% हुआ है और ये 20% हो गया है। जी हाँ, जो 10 प्रो है वो 20% है और ये 11% पे आ गया। ऑफ कोर्स फास्ट चार्जिंग का जो डिफरेंस है वो तो रहेगा ही। तो यार आपको बता दिया कि 5 मिनट में कितना चार्ज हो रहा होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों फोन्स को ना भाई क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं, ताकि भाई जो एकदम पूरा फास्ट चार्जिंग है वो बैटरी देखिए समय मालूम पड़ गया। हमने दोनों फोन को बंद कर दिया जस्ट कि हम इस कंडीशन में से करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये वाली चीज़ हो गई। अब अपना रखते हैं कंटिन्यू और फिर अब देखते हैं कि अब थोड़ी देर बाद फिर से चेक करेंगे और देखेंगे क्या हिसाब किताब बैठता है। हाँ तो दोस्तों यार लगभग हमें देखो अब 16 मिनट के आसपास हो गया है। तो आप देखोगे तो जो अपना प्रो प्लस है वो 53 यानी कि 50% से ऊपर हो गया है, और आप यहाँ पर देखोगे ये 31 पे आ गया है। सो यार देखा जाए तो 16 मिनट यानी कि लगभग अगर हम लोग 15 मिनट की बात कर लें राउंड फिगर में थोड़ा कम करके, कि भाई 15 मिनट में आपका फ़ोन जो है वो आपको यार देखो फुल चार्ज मिल जाएगा ये वाली बात। इवन ये तो यार 50% से ज़्यादा ही है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो भाई ये कुछ 31 के आसपास है। वैसे ही अगर यार टेम्परेचर को भी अगर मैं आपको एक बार बता दूँ, तो आप ये देखो यहाँ से आगे से तो आपको कुछ 29 के आसपास मिलेगा यहाँ पर 10 में, जो अपना 10 प्रो है उसमें, और जो प्लस है उसको अगर आप अगर देख लोगे। सो यार यहाँ पर देखा जाए तो ये थोड़ा आपको देखा जाए तो काफ़ी गर्म देखने को मिलेगा। इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, जो हमने शुरू किया था उसके मुकाबले अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 37 जो है वो हाईएस्ट अभी टच हो रहा है आफ्टर 17 मिनट्स। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सो ये भी कुछ 30 के ऊपर तो जा ही रहा है। ठीक है यार, ये तो ही देखो फ़ोन जो हम चार्जिंग पे लगाते हैं थोड़ा बहुत गर्म वगैरह तो होता ही है, तो इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो भैया 23 मिनट के ऊपर आके बात कर जाए तो आप देखो 72, और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 41% हो गया है। सो आप लोगों को एक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि भैया ये जो फुल चार्जिंग कितने में हो जाएंगे। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर पहले ही चार्ज होगा, दोनों में सेम लेवल की बैटरी है लेकिन फास्ट चार्जिंग का डिफरेंस है, इस वजह से जो डिफरेंस है वो आ रहा है। लेकिन दोनों की फास्ट चार्जिंग भाई अपनी अपनी जगह पर बढ़िया है, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पर आपको 30% के आसपास और यहाँ पर मोर देन 50% आपको बैटरी जो है वो मिल जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले टेस्ट की तरफ। सो दोस्तों डिस्प्ले टेस्ट की बात करते हैं, देखो दोनों में सेम वीडियो प्ले हो रहा है। आप देखो ये मैंने पिंचिंग कर दिया, ये मैंने पिंचिंग कर दिया। सो आप यहाँ पर देखोगे भी दोनों के डिस्प्ले बढ़िया है। बता दूं यहाँ आपको मिलता है 6.7 इंच का एमोलेड 120Hz कर्व डिस्प्ले, और यहाँ पर 6.7 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले अगेन 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। सो बोलोगे यार ऑन पेपर में बता दिया भाई डिस्प्ले किसका ज़्यादा अच्छा है, ये बता दो यार। देखो ऑफकोर्स कर्व डिस्प्ले है, एमोलेड है, तो कहीं ना कहीं यही आपको बढ़िया मिलेगा। ये भी बुरा नहीं है, प्राइस रेंज भी तो देखोगे ना यार कहीं ना कहीं है। लेकिन इसकी जो खास बात है कि यार आप ये देखो इनकी बेजल्स, ठीक है ऐसे एक बार मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ, आप इसकी बेजल्स देखो यार कमाल ही कर दिया। चेन ऑफकोर्स आपको बड़ी मिलेगी, लेकिन बेजल्स जो इन्होंने कम करी है ना रियलमी ने इस बार, तो वाह
कमाल कर दिया, वो वाली बात है। और दोनों के डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया, एकदम एच पावर है, मजा आएगा आपको यूज करने में, टच रिस्पॉन्स बढ़िया है, एंड दोनों वेरी लाइट वेट भी है मैं बता दूं, ठीक है ना। तो इसका जो वेट है वो लगभग कुछ 170 ग्राम से, इसका लगभग 192 ग्राम है, ठीक है। ये इन दोनों में हैगा हैवी है, मतलब वैसे भारी नहीं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा वजन इसका है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाइपर स्पेस डिजाइन आपको दोनों में मिल जाता है, ठीक है ना। प्रोसेसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन डिस्प्ले किसका अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। अब यार हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जरा डिजाइन वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो फ्रंट का चेंज तो मैं आपने देख ही लिया होगा कि यार इधर कर्व्ड है इधर नहीं है, ठीक है। बेजल्स इसकी कम है, चिन इसकी बड़ी है, इसकी ओवरऑल पूरी एकदम मतलब यू नो जैसे होती है नॉर्मल स्टैंडर्ड। इन्होंने इंटेंशनली किया कि चिन बढ़ा दी है लेकिन बाकी बेजल्स कम कर दिए हैं, और यहाँ पर तो भैया आप देखोगे स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये आप एक बार इसका कर्व भी देख लिया, इन्होंने बढ़िया देख किया। जो इसकी थिकनेस है वो लगभग कुछ 7.78 mm की है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप पंच होल का साइज भी आप देखोगे तो लगभग सेम है। ऊपर इधर आप सॉरी राइट में आओगे तो देखो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड मिल जाता है। वॉल्यूम वॉकर्स आपको देखने को मिलेंगे इस साइड पे दोनों में, भैया सिम ट्रे नहीं, इसके अंदर आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगी लेकिन इसमें सिम ट्रे जो है वो नीचे की तरफ है। वैसे ही 3.5 mm जैक आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यार देखो उन्होंने पतला भी तो बनाया, ये भी तो देखो ना। और यूएसबी टाइप सी पोर्ट स्पीकर ग्रिल है। ऊपर की तरफ हम आ जाएं तो आप देखोगे सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही पीछे आ जाएं तो भैया देखो मुझे तो पीछे का बैकपैनल इसका ज़्यादा सही लगा, मैट फिनिश के साथ ऐसा आता है। ये ग्लॉसी फिनिश है, आपकी चॉइस है, फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा पकड़ेगी। कवर साथ में ये लोग आपको दे रहे हैं दोनों फोन्स के लिए, ये बात अच्छी है। कैमरा मॉड्यूल आप देख लो भैया, अभी कैमरा के ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, पर आप देख लो भाई, ठीक है। वैसे ही अगर कैमरा की बात कर ली जाए, ठीक है, डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया है, है ना। और एक बार रुका है कैमरा के ऊपर जाने से पहले भाई, एक बार पहले फेस अनलॉक का डेमो आप देख लो, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई दोनों के दोनों एकदम फटाक से काम करते हैं। वैसे ही फिंगरप्रिंट सेंसर की भी बात कर लें तो आप ये देखो वो भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ये थोड़ा इसको मैंने ये वाला सेट किया ऑफ कोर्स ऐसे करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको जो कैमरा बता रहा था यार वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, तो भाई देखो यहाँ पर आपको इधर पे जो है वो आपको मिल जाता है भैया 108 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पर है ट्रिपल कैमरा, 108 8 और एक मैक्रो लेंस आपको देखने को मिलेगा। ये देखो यार आप, ये आपको तीसरा कैमरा यहाँ पर ऐसे छुपा हुआ है, आप देख रहे हो, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है, है ना। वैसे ही 16 मेगापिक्सल का दोनों का फ्रंट कैमरा है पंच होल में, जो आप लोग देख चुके हो, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया तुमने हमको फोन के बारे में बताया, इसके मतलब कैमरा के स्पेसिफिकेशन बता दी, लेकिन कैमरा किसका अच्छा है मैं ये पूछूंगा तो बताता हूँ यार। कैमरा क्वालिटी भी अभी बताऊंगा, लेकिन एक बार फटाक से कैमरा यूआई देख लो भाई। ये 108 मेगापिक्सल का आपको दोनों में डेडिकेटेड रूम मिल जाता है। ये आप देख लो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है भैया, प्रो पैनोरमा मैक्रो का ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, डुअल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ही इससे आप भी ये देख लो, यहाँ पर गया मैं वीडियो पे, यहाँ पर भी गया मैं वीडियो पे, और ये आप 4K वीडियो इससे भैया 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे ही हम यहाँ पर अगर जाके देखेंगे तो भैया इससे आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। FPS का इन्होंने हिसाब किताब यहाँ पर नहीं दिया। नाइट मोड स्ट्रीट मोड आपको दोनों में मिल जाएगा, लेकिन कैमरा किसका बेटर है, कैमरा किसका अच्छा है, उसके लिए ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स। तो दोस्तों कैमरा सैंपल्स तो अब आपने देख लिए, ठीक है। अब आप देखो यार मैंने आपको ना इस फोन के बारे में भाई सब कुछ ही बता दिया, चाहे डिज़ाइन ले लो, ठीक है, है ना, चाहे बैटरी ले लो। बैटरी 5000 mAh की मिलती है 33 watts की फास्ट चार्जिंग के साथ, इधर भी 5000 mAh की बैटरी जो कि 67 watts की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है, ठीक है। फास्ट चार्जिंग में ऑफकोर्स पीछे रहेगा ही नहीं यार कहीं से कहीं तक, दोनों में एंड्रॉइड 13 है ये मैं आपको बता चुका था, रियलमी UI 4.0 के साथ। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यार आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और इन दोनों में से कौन सा तगड़ा फ़ोन लगा। देखो यार प्राइस रेंज के हिसाब से तो आपको पता ही है, अगर आप इन दोनों में बोलोगे तो मैं बोलूँगा भाई ये ले लो, डिस्प्ले बढ़िया है, मतलब देखो अगर बजट है इन दोनों में आप बोलोगे इन दोनों में कौन सा है, देखो बजट है मेरे पास तो मैं बोलूँगा ऑफकोर्स ये लो यार, AMOLED डिस्प्ले है, ठीक है, कर्व मिल रहा है और प्रोसेसर भी इसका यू नो अच्छा है, काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस मिली है मुझे, गर्म होता है थोड़ा लेकिन उसका परफॉर्मेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा डिटेल में गेमिंग रिव्यू देख लेना तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें है तो यार आपको बेजल्स एकदम, ये देखो इन्होंने जो बेजल के साथ काम किया मैं आपको एल चीज वीडियो में ही बता चुका हूँ कि बहुत ही बढ़िया है। 695 आपको मिलता है जो कि यार यू नो काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है, अगेन 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाएगा, ठीक है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल रही है। सो यार आप देखो अगर आपकी चॉइस आपके बजट में कौन सा बैठा है वो वाली चीज़ आप देख लो और आप अपने हिसाब से फ़ोन ले लो, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इन फोन्स के बारे में, ठीक है। तो यार ये जो था मेरा सोचना इन दोनों फोन्स के बारे में, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन बढ़िया लगा, ठीक है। वीदियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।